और उधम सिंह नगर जनपद के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ज्वेलर्स के घर डकैती की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। डकैती की घटना नाकाम होने पर बदमाशों ने ज्वेलर्स और उसकी पत्नी को पीट पीट कर घायल कर दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। घायल दंपत्ति को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आनंद विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की छत से डकैतों ने ज्वेलरी के घर पर डकैती का प्रयास किया है और इस दौरान डकैतों ने ज्वेलर्स और उसकी पत्नी को भी घायल कर दिया है। शोर शराबा होने पर डकैत फरार हो चुके हैं। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं पुलिस ने डकैतों की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। उन्होंने एसओ ट्रांजिट कैंप से भी बात की है और घटना का जल्द खुलासा करने को कहा है। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये भी एक घटना हुई है जहाँ पे जिनके घर ये चोरी के इरादे से घुसे तो रजिस्ट करने के वजह से इनके साथ नाती पिटनी की गई है और जिसमें दोनों दंपत्ति जो हैं वो घायल हैं और इसमें भी हम लोगों ने केस रजिस्टर कर दिया है हमें और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।